हेलो एवरीबॉडी, अभी मैं अपनी साइकिलिंग डेली रूटीन में जा रहा हूँ। ये रही मेरी साइकिल पार्क हुई हुई, यहाँ से मैं अभी चलाऊँगा साइकिल और आपको दिखाता हूँ कैसे मेरी रूटीन होती है डेली साइकिलिंग की। सबसे पहले तो इसका लॉक खोलना पड़ेगा। ये खुल गया लॉक और निकल गई मेरी साइकिल। ये मैं रोज एक पैकेट बिस्कुट ले लेता हूँ यहाँ के जो स्ट्रे डॉग्स है वो लोग को देने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइकिलिंग। ये मैंने एक नया लगाया है मोबाइल का स्टैंड, जिसमें मैं आराम से साइकिलिंग करते टाइम मोबाइल अपना उठा के रख सकता। ये मेरा मोबाइल लग गया है यहाँ पे। टायर की हवा मैंने चेक कर ली है, पीछे भी आगे भी दोनों ठीक है। तो अभी करते हैं स्टार्ट। इसमें एक ऐप मैंने इंस्टॉल की है साइकिल में, ये मोबाइल में साइकिलिंग ऐप। उसमें कितना रोज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, कितने डिस्टेंस, कितना ड्यूरेशन और कितना कैलोरीज बर्न हो रही है, ये आपको दिखेगा। जियो पॉक्सर साइकिलिंग ऐप तो मैंने किया स्टार्ट। बस मीटर चालू, अब चलाते हैं साइकिल। पंडाल बन चुका है रेडी, बस दुर्गा माँ के आने की देरी है। टाइम में काफी लोग मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आ जाएंगे। ये सामने इधर में 3 BHK की दुर्गा पूजा का पंडाल बना है। माइक वाइक सब लग गया है। मेरा पंडाल यहाँ पे हम लोग की बाउंड्री खत्म होती है। डेढ़ किलोमीटर कंप्लीट हुई है। फिर मैं देखूँगा ये नो ग्राउंड है यहाँ पे, क्रिकेट फुटबॉल या जॉगिंग वॉगिंग जो भी करना है यहाँ पे किया जाता है। ज़्यादा गाड़ी नहीं आती इसलिए मैं रोज प्रीफर करता हूँ इधर में आना। सही से एकदम बिंदास हो क्या चला। ये पूरा बालू वाला रोड आ गया। यहाँ से मुझे अब साइकिल घुमानी पड़ेगी। सभी खत्म है इधर। ये सब आप लोग देख रहे हो, ये सब ब्लॉक ई है 1 BHK शाहपुर जी का, जो अभी हैंडओवर होना था लेकिन कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण हैंडओवर नहीं हो सका। तो अभी जस का तस पड़ा हुआ ऐसे ही।
देखें कब तक हैंडओवर होगा। ये 150 एकड़ में पूरा कॉम्प्लेक्स हम लोग का ये फैला हुआ है। यहाँ से मैं साइकिल को घुमा लेता हूँ। रोड की अवस्था आप लोग देखो, पूरा बालू बालू बालू, सब बालू भरा हुआ है। यहाँ से यू करीब 17 मिनट में 4.5 के करीब किलोमीटर मेरे कंप्लीट हुए हैं। बाय बाय। सामने में है स्पेंसर्स, ये है DLF न्यू टाउन हाइट्स स्पेंसर्स, ये है स्पेंसर्स सामने। तो फ्रेंड्स, ये जो रास्ता भी मैं जिसमें चला रहा हूँ साइकिल, ये सीधा इस्कॉन टेंपल को जाता है, गौशाला जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू टाउन। गाइस, वो सामने में है इस्कॉन की गौशाला न्यू टाउन। फ्रेंड्स, आप लोग जैसे जानते हैं कि अभी नवरात्रि चल रही है और मेरे को भी मम्मी ने कहा है फूल लेके जाने के लिए, तो फूल लेके जाना होगा घर पे, क्योंकि आज दूसरी नवरात्रि का दिन है, 9 दिन चलती है पूजा। तो मैं जाऊंगा फूल लेके घर वापस। ये इसमें देखें तो किलोमीटर मेरे हो गए 6.74, करीब 30 मिनट के अंदर। सो फ्रेंड्स, ये आ गई हम लोग की शाहपुर जी की मार्केट। मैं जा रहा हूँ शाहपुर जी मोड़ की तरफ, फ्लाईओवर के ऊपर से, वहाँ चलाने का मजा ही अलग है साइकिल। और यहाँ से ढलान है, अब पैडल मारने की दरकार नहीं, साइकिल अपने आप चलेगी। सामने शाहपुरी मोड़ का सिग्नल आ गया है, तो यहाँ से मैं अपनी साइकिल यू टर्न लेके वापस बैक टू शाहपुर जी कर लूंगा। ये रहा हम लोग का सिग्नल, यहाँ से मैं घुमा के वापस बैक शाहपुर जी की तरफ चलूँगा। फ्लाईओवर चढ़ने का टाइम आ गया, फिर थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा।
फ्रेंड्स अभी फिर ढलान आ गई या मुझे साइकिलिंग करने की दरकार नहीं है, अपने आप साइकिल चले जा रही है आराम से। जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स। पूरा हम लोग शाहपुरजी कॉम्प्लेक्स का व्यू आपको दिख रहे हैं सामने से। बस आ गया हूँ शाहपुरजी कॉम्प्लेक्स के अंदर, जस्ट गेट में एंटर करने वाला हूँ। मेरी मीटर में हुआ है करीब 41 मिनट होने वाला है और 9.70 किलोमीटर। मेरी आज की राइड खत्म हुई साइकिलिंग की और किलोमीटर मैंने अभी चलाए हैं करीब 10.5, 44 मिनट्स के अंदर। कैलोरी लॉस 346.7। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इसमें अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो तब तक के लिए, जब तक मैं कोई नेक्स्ट वीडियो लेके नहीं आता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।